इंटरनेट पे कोई भी सरकारी फॉर्म भरना, उसके लिए हम वेबसाइट खोल लेंगे। यहाँ पे पहले www.google.com खोल लेंगे। इसके बाद यहाँ पे सर्च करेंगे सरकारी रिजल्ट के नाम से एक वेबसाइट होती है। जितने भी लेटेस्ट जॉब फॉर्म होंगे या कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म होंगे वो आपको सब यहाँ पे मिलेंगे। और सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम के नाम से एक वेबसाइट होती है, एक रोजगार रिजल्ट डॉट कॉम के नाम से होती है। सबसे ज़्यादा वर्क जो होता है सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम पर होता है। एंटर कर देंगे तो यहाँ पे ये वेबसाइट क्लिक की आ जाएगी। इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारी ये सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट ओपन। ओपन होने के बाद आप इसमें जाओ नीचे, यहाँ पे जो लेटेस्ट फॉर्म है अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म, ये सभी यहाँ पे मिलेंगे। एडमिट कार्ड के लिए भी हैं। उसके बाद यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी नीचे, जिसमें आप एडमिट कार्ड लेटेस्ट जो रिजल्ट यहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे आपको कोई फॉर्म फिलअप करना है, यूपीएससी सीडीएस ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जब भी कोई फॉर्म आप ओपन करोगे, यहाँ पे ये लिखा जाएगा एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हुई, 15 मई से स्टार्ट हुई। लास्ट डेट इसके फिलअप करने की 4 जून है, और लास्ट डेट फॉर पार्ट सेकंड 4 जून है, और कंप्लीट फॉर्म लास्ट डेट 4 जून है, और करेक्शन डेट आपकी 5 जून, 5 से लेकर 11 जून तक, और एग्जाम डेट आपकी 1 सितंबर 2024 है। एडमिट कार्ड अवेलेबल बिफोर एग्जाम, पहले एग्जाम से कुछ समय पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, अगस्त में लगभग। फिर इसके बाद यहाँ पे जनरल ओबीसी कैटेगरी की जो फीस है वो 200 रुपये है इस फॉर्म की, और SC ST फीमेल कैंडिडेट जो होगा गर्ल्स के लिए 0, कोई पैसा नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आप इस फॉर्म को नीचे चलेंगे, यहाँ पे इसकी एज लिमिट दिखाई गई है। CDS के लिए 2 एज लिमिट एज ऑन ये 20 से 24, और यहाँ पे फिर UPSC CDS सेकेंड एबिलिटी 24, इसमें ये दिया हुआ है। टोटल वैकेंसी कितनी है यहाँ पे 469, और इसमें इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA पोस्ट 100 है। पोस्ट का नेम यहाँ लिखा हुआ है और इधर ये दिखा हुआ है, तो ये 4 पोस्ट इसमें है हमारी। इसके बाद ये नोटिफिकेशन इसका पड़ेगा, आप फिर यहाँ पे जाओगे अप्लाई ऑनलाइन लिखा होगा देखो यहाँ पे, और अप्लाई ऑनलाइन पर जाकर आप क्लिक हेयर पे क्लिक करो यहाँ से, और करने के बाद ये यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है, वेरिफिकेशन है, यहाँ से क्लिक करेंगे। यहाँ पर लिखा होगा न्यू रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद संघ लोक सेवा आयोग का एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसको आप स्टेप बाय स्टेप फिलअप करेंगे। जैसे यहाँ पर नेम जो क्लास 10th में डॉक्यूमेंट में आपके लिखा होगा, वेरीफाई नेम, फिर यहाँ पे आपका जेंडर, वेरीफाई जेंडर, फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, फिर मदर नेम, वेरीफाई कराना, फिर फादर नेम मदर नेम, फिर यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फिर यहाँ से आपका क्लास 10th बोर्ड और एग्जामिनेशन रोल नंबर, और सिक्योरिटी क्वेश्चन जो भी ओपन होगा यहाँ पे। फिर ये कैप्चर कोड डालने के बाद आपको ये सबमिट करना, सबमिट करने के बाद सेकेंड स्टेप ओपन होगा, फिर उसके बाद वो फिल करना। तो इस तरह से आप कोई भी ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, समझ आ गया? तो इस तरह से हम कोई फॉर्म भर सकते हैं।